नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी गुफा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। जी हां, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं रामायण काल में बाली की गुफा के बारे में। जब वैज्ञानिक इस गुफा में घुसे तो उसके अंदर का नजारा देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा के बारे में हर कोई नहीं जानता। अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं और इस बात का पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वह भी उसके अंदर गए और उन लोगों को कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे वह यह समझ गए कि यह बाली की गुफा है। परंतु उनको उस गुफा में ऐसा क्या मिला जिसे देखकर उनके भी होश उड़ गए। रामायण काल में बाली का शासन किष्किंधा में हुआ करता था। बाली इतना शक्तिशाली था कि रावण भी उससे जीत नहीं सका था। परंतु ऐसा क्या हुआ जो बाली की दुश्मनी उसके भाई सुग्रीव से हो गई? इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण था वह गुफा जिसे आज भी हम बाली गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे पीछे गुफा तक जा पहुंचा। बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा कि तुम इस गुफा के द्वार पर यही रहकर पहरा दो और मैं अंदर जाकर उस राक्षस का वध करता हूं। इतना कहकर बाली गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन एक साल बीत गए थे। सुग्रीव को बहुत चिंता सता रही थी। तभी देखा कि गुफा के अंदर से खून निकल रहा है। उसे लगा कि युद्ध में बाली की मृत्यु हो चुकी है, तो सुग्रीव ने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और उस गुफा को बंद कर दिया। पर सुग्रीव सच्चाई से अनजान था। दरअसल वह गुफा इतनी लंबी थी कि बाली को उस राक्षस को ढूंढने में एक साल लग गया और एक साल बाद बाली ने उस मायावी राक्षस का वध कर दिया। परंतु जब वह गुफा के द्वार पर पहुंचा तो बहुत बड़ा पत्थर देखकर उसे भी हैरानी हुई। उसने अपने मन ही मन में सोचा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। उसने जैसे तैसे पत्थर को हटाया और वापस अपनी नगरी पहुंचा। सुग्रीव को धक्का मार कर नगरी से बाहर निकाल दिया। के बाद सुग्रीव वानरों के साथ में ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। इसीलिए ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा के बारे में हर कोई अनजान है। आज के समय में वही बाली की गुफा कर्नाटक के हम्पी शहर के तुंगभद्रा नदी के किनारे आसपास इलाके में ही है। वहां के स्थानीय लोगों ने यह दावा किया कि यह वही बाली की गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच में युद्ध हुआ था। जब वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला तो वो शोध करने के लिए बाली की गुफा में पहुंच गए। परंतु जब वहां उस गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह गुफा इतनी लंबी है। इसीलिए वह गुफा के बाहर आ गए और पुनः एक बार अपने साथ खाने पीने की सामग्री लेकर गुफा में गए। गुफा इतनी लंबी थी कि बाली को भी मायावी राक्षस को ढूंढने में एक साल लग गया था। परंतु वह धीरे धीरे गुफा के अंदर चलते जा रहे थे। उन्हें बस एक ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे यह साबित हो सके कि यह सच में बाली की गुफा है। वे दो तीन दिन इस गुफा में विचरण शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ठीक तीन दिन बाद उस गुफा में उन्हें एक विशालकाय नाखून प्राप्त हुआ। वह नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था और ना ही किसी जानवर का था। वे सभी हैरान थे कि आखिर यह नाखून किस प्रजाति का है। नाखून को जांच के लिए भेज दिया गया। वैज्ञानिक उस गुफा में थोड़ा और आगे गए। फिर उन लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उन सभी के होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंत में दीवार पर कुछ अलग ही भाषा में लिखा हुआ था जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। परंतु वैज्ञानिकों ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि लिखावट कई हजारों साल पुरानी है। वानर नाम की प्रजाति इस तरह की लिखावट का प्रयोग किया करती थी। वानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव जैसे हुआ करता था और चेहरा बंदरों के जैसा।
उनकी पूछ भी हुआ करती थी और वह काफी हष्टपुष्ट पहलवान की तरह हुआ करते थे। उस नाखून का जब जांच किया गया तो पता चला कि वह किसी इंसान का नाखून हो ही नहीं सकता, ना वह किसी जानवर का नाखून है, क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच में युद्ध हुआ था तो यह प्रमाण दिए गए कि जरूर उस मायावी राक्षस का ही नाखून है। उसके बाद विज्ञानकों ने उस पर मोहर लगा दी कि यह सचमुच में बाली की गुफा है, जो आज के समय में कर्नाटक हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे जंगलों में है।